नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना की चपेट में आए अब बिहार के बैंक। बिहार विधान परिषद भर्ती परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। बिहार आने वाले प्रवासियों के लिए खुशखबरी, अगले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में आ सकते हैं आंधी तूफान। देश में कोविड 19 की स्थिति होती जा रही है भयावह। कोरोना की चपेट में आए अब बिहार के बैंक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना की चपेट में आए बिहार के बैंक। बिहार में लगातार कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ही लगातार कई संस्थानों पर इसका व्यापक असर देखने को मिला है। वहीं इस बीच अब बैंकों पर भी कोरोना हावी होने लगा है। यही कारण है कि बैंक में काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार में बैंकों के कामकाज की अवधि को घटाया जा रहा है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के बिहार राज्य कमेटी और BPBEA ने बिहार सरकार और SLV से इसको लेकर अनुरोध किया था। इसमें बैंकिंग कार्यालय को 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किए जाने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही ये भी मांग की गई थी कि रोटेशन के आधार पर 50% बैंक कर्मियों से ही शाखा का संचालन करवाया जाए और बाकी लोगों को घर से ही काम करने की छूट दी जाए, जिसको स्वीकार करते हुए बिहार सरकार ने SLV को मंजूरी दे दी है। बिहार विधान परिषद भर्ती परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। बिहार विधान परिषद भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बिहार विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट bihar vidhan parishad.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें, यह रिजल्ट ट्रांसलेटर हिंदी और फिर अंग्रेजी, असिस्टेंट उर्दू प्रकाशन और असिस्टेंट डीन भर्ती के लिए हुए थे। इस परीक्षा में कुल मिलाकर 3,325 अभ्यर्थी पास हो गए हैं, जिसके बाद अब अगले चरण की परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग टेस्ट और SMS वर्ड प्रोसेसिंग स्किल का टेस्ट होगा। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है। बिहार ने केंद्र से की ऑक्सीजन की मांग। बिहार में कोविड 19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है, ऐसे में बिहार ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग की है। खबरों की माने तो बिहार में लगातार खराब हो रही कोविड 19 प्रभावितों की संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने अपनी तरफ से 72 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन के कोटा की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा तय होने से यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि राज्य में 14 टन प्लांट है और इसके साथ ही 8 जनरेशन से 32 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। इसमें क्रायोजेनिक मशीन भी लगी है, जिसमें 72 मीट्रिक लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकता है। बिहार में बढ़ रहे संक्रमण के बीच सेना के डॉक्टरों ने संभाली ESI अस्पताल की कमान। बिहार में कोविड 19 की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बिहार में एक दिन में 10,455 मामले सामने आए हैं, इसके बाद अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जिसके बाद ही कोविड 19 सक्रिय मामलों की संख्या 56,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 51 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है। वहीं कोविड 19 की बिगड़ती स्थिति के बीच पटना के पास बिहटा के ESI अस्पताल की कमान सेना के डॉक्टर ने संभाली है। वहीं इसके साथ ही NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और उपाधीक्षक डॉक्टर सरोज कुमार ने बीती रात अस्पताल का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही कोविड 19 संक्रमितों की सहायता के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पटना जिले में 1800-345-6019 पर कॉल करके किसी भी समय मदद ली जा सकती है। बिहार आने वाले प्रवासियों के लिए खुशखबरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पिछले साल की भांति इस साल भी प्रवासियों का बिहार लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत अब रेलवे की तरफ से भी बिहार आने वालों को सहूलियत दी गई है। खबरों की माने तो दिल्ली में लगे लॉकडाउन के बाद अब बिहार आने वालों के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। उत्तर रेलवे की तरफ से बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने की घोषणा कर दी गई है। 21, 22 और 23 अप्रैल को कई समर स्पेशल ट्रेन को चलाने का ऐलान किया गया है। यह ट्रेनें दिल्ली, नई दिल्ली और आनंद विहार रेल टर्मिनल के संचालित होंगी, जो कि दरभंगा, गया, सीतामढ़ी आदि के लिए चलाई जाएंगी। आपको बता दें, यह सभी ट्रेनें पूरी तरीके से आरक्षित होंगी। हनुमान मंदिर में बिना श्रद्धालुओं के हुई पूजा। आज रामनवमी का पावन पर्व है। इससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्रीराम का जन्म त्रेता युग के चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तारीख को हुआ था। इस दुनिया में भगवान श्रीराम और हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके तहत ही आज ही चैती नवरात्र का 9वां दिन भी है। इसके साथ ही महावीर मंदिर के लाखों भक्त अपने घर बैठकर ही ऑनलाइन UTV पर अपने आराध्य राम लल्ला और उनके सबसे प्रिय हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। आचार्य किशोर कृणाल पिछले कई दिनों से हनुमान के भक्तों से अपील भी करते आ रहे थे कि कोविड 19 को लेकर के महावीर मंदिर नहीं आए, उसका असर आज दिख रहा है। ऑनलाइन JioTV पर अपने रामलला और हनुमान जी का दर्शन करते सभी श्रद्धालु देखे गए। अगले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में आ सकते हैं आंधी तूफान। बिहार वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जागी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गर्मी का आभास काफी अधिक हो रहा है, मगर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। इसके साथ ही न्यूमेरिकल मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इन चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से एक निम्न दबाव की रेखा बिहार और पश्चिम
बंगाल से होते हुए असम तक जारी है, जिसके कारण 20 और 21 अप्रैल को बिहार के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना बनी है, जिसके बाद आने वाले 2 से 3 दिनों तक बिहार में हीटवेव की कोई संभावना बनती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, जिससे बिहारवासी को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जागी है। पिछले कई दिनों से गर्मी ने बिहारवासियों का बुरा हाल कर रखा है, दोपहर में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर बरसे बिहार के विपक्षी दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच देश का संबोधन किया था। हालांकि बिहार के विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रास नहीं आया, यही कारण है कि लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। राजद और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। कोविड 19 के कारण देशवासियों की हालत काफी खराब हो गई है, लेकिन पीएम इन्हें राहत पहुंचाने की बात करने के बजाय पश्चाताप कर रहे थे। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर देश के लोगों को काफी उम्मीदें थी, वो कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन सबको निराशा हार लगी है। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि देश में कोविड 19 के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी फेर दिया। NMCH का निरीक्षण करने पहुंचे मानवाधिकार आयोग अधिकारी। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मानवाधिकार आयोग के सचिव और एम्स के अधिकारी NMCH का जायजा लेने पहुंचे। राजधानी पटना में कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोविड 19 अस्पतालों की व्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा गई है, इसकी का जायजा लेने पहुंची टीम ने अस्पताल की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और उसके बाद अस्पताल के सभी विभागों का दौरा कराकर स्थिति के बारे में अधिकारियों को बताया। जब NMCH के दौरे को लेकर मानवाधिकार आयोग के सचिव राजीव कुमार से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने स्थिति पर चुप्पी साध ली। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि अभी जो देश में अचानक विपदा आई है, इससे हम सबको मिलकर सामना करना है, सिर्फ कमियों को ना देख करके सकारात्मक चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। BPSC ने परीक्षा की स्थगित। बिहार लोक सेवा आयोग ने आखिरकार ऑडिटर की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सुना दिया है। 25 अप्रैल को इस परीक्षा का आयोजन होने वाला था। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में BPSC ने बीते दिन ही अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी करते हुए परीक्षा संचालन की बात कही थी। हालांकि छात्रों की मांग को देखते हुए और लगातार बिहार में कोविड 19 के मामलों में वृद्धि होता देखकर बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सुनाया है। हालांकि नई तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, मगर उम्मीद जताई जा रही है कि BPSC की तरफ से नई तारीख की घोषणा स्थिति सामान्य होने के बाद की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले UGC नीट और इंजीनियरिंग परीक्षा समेत सभी मुख्य परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। अब तकनीकी खराबी मिलने पर कंपनी को वापस लेनी होगी नई खरीदी गई गाड़ी। अक्सर नई गाड़ी खरीदने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आने के बाद गाड़ी खरीदारों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार सरकार ने इस तरह बेहद जरूरी कदम उठाया है और इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के आदेशानुसार अब गाड़ी बनाते समय उसमें कोई तकनीकी खराबी अगर पाई जाती है तो संबंधित कंपनियों को वो गाड़ी वापस लेनी होगी। नई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को अब राहत मिलेगी। इसको लेकर बीते दिन सरकार ने एक संशोधन जो है वो पास कर दिया है, जिससे आलोक में बिहार सरकार ने भी अब आदेश जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के आदेश के अनुसार परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी और अन्य कई अधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच तेजस्वी यादव ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेज। बिहार में कोविड 19 की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि स्थिति अनियंत्रित होता देख नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रतिदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम मैसेज जारी किया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने बिहार में दवा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की तेजी से सप्लाई करने को लेकर केंद्र सरकार से मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, कोविड 19 के संकट को एक साल बीत गया है, पर केंद्र सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हेल्थ एंड स्ट्रक्चर को कितनी ज्यादा मजबूती दी गई है, पीएम केयर्स फंड का कहां दुरुपयोग किया गया, आरोग्य सेतु ऐप कितना कारगर साबित हुआ, इन सब का जवाब केंद्र सरकार दे। जब सरकार को जागना चाहिए था, तब सरकार कोविड 19 बीमारी को नकार रही थी, तब से ही मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्यों केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है क्या। महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता आए कोविड 19 की चपेट में। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोविड 19 की चपेट में आ गए हैं। जानकारी मिली है कि उन्हें बड़ियातू रोड स्थित पल्स अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अभिषेक झा से मिली जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी के पिता और माता की स्थिति सामान्य है, ऑक्सीजन स्तर भी बेहतर है, संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी, उनकी स्थिति सही है। डॉक्टर अभिषेक झा ने कहा है कि लोगों को घर में ही अब सुरक्षा का ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। देश में कोविड 19 की स्थिति होती जा रही है भयावह। देश में कोविड 19 की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हर दिन मिल रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में आए आंकड़ों को देखें तो लगभग 3 लाख मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 2,95,041 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 1,56,16,130 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में जान गंवाने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी रिकॉर्ड तोड़कर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत में
पहली बार पिछले 24 घंटे में 2023 लोगों की जान गई है। मात्र 24 घंटे के अंदर इतने लोगों की जान जाने का सिलसिला पहली बार देखा गया। वहीं अब तक जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 182,553 पहुंच गई है। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी बीते दिन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में आए मामलों के बाद 21,57,538 मामले फिलहाल सक्रिय हैं। तो आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज खेले जाने वाले केकेआर और सीएस के बीच मैच में किस टीम का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।